तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग वापस से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ईयरबड की, जिस कंपनी का नाम है बोल्ट ऑडियो। और यहाँ पे कुछ गिंजर वगैरह है, बाकी इसका नाम एनकोर है, बोल्ट ऑडियो एनकोर। साइड में बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग दी हुई है, नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बास, बिल्ट इन माइक्रोफोन और यहाँ पे एच डी क्वालिटी वगैरह, बाकी सारी फीचर जो भी इसके अंदर दी हुई है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिटेल फीचर्स वीडियो आगे आएगी, अभी यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा आपको ये सब देखने को मिलता है। कुछ स्पेसिफिक फीचर जो है मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हैं, गूगल सीरी जो है उसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हैं और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट तो है ही है। तो ये सारी चीजें स्पेशल मेंशन इसके ऊपर किया गया है। तो फटाफट से बॉक्स को जो है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई इस पर सील वगैरह नहीं लगा था पहले से, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि अगर इतनी महंगी चीज है सील जो है वो नहीं लगा था। बाकी ओपन लिट करते हैं तो सामने की तरफ रेड कलर का एक सेक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है बोल्ट ऑडियो। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकालते हैं ओपन करके, तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है ये एक यूजर मैनुअल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बोल्ट ऑडियो एनकोर यूजर मैनुअल। बाकी नीचे की तरफ एक हम लोग को कार्ड वगैरह सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक प्रोटेक्शन शील्ड वगैरह कुछ भी आपको रजिस्टर वगैरह करना होगा तो ये इसके लिए है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर हो जाए इनकी स्टोर पे, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे की तरफ दो सेक्शन में डिवाइड्स है। सबसे पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हम लोग को लिख रखा हुआ मिल जाता है एक्सेसरीज बॉक्स। दूसरी चीज़ इस बॉक्स में हम लोगों को देखने को मिल जाती है एक अपना मेन एयरबड का केस। जाहिर सी बात है इसी के अंदर हम लोग को एयरबड देखने को मिलता है। तो साइड में रखते हैं सारी चीज़ें, बात करते हैं एक्सेसरीज बॉक्स की, तो ये जो है वो साइड से ओपन होता है। तो इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हम लोगों को इस एक्सेसरीज बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। तो सिंपली हम लोगों को ऊपर वाली लिड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोगों की तरफ यहाँ पे ये निकल के आ चुका है। जो सबसे अच्छी बात उसमें मुझको ये लगी, सामने की तरफ आप देख सकते हैं USB 2 Type-C डेटा केबल आपको इसमें देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एक दूसरी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है जो कि है ये आपका एक्स्ट्रा एयर टिप्स। आप अपने कान ईयर के साइज़ के हिसाब से ईयर टिप्स जो है वो लगा सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं इसके बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने मेन एयरबड की ना, तो सामने की तरफ हम लोगों को ब्रांडिंग देखने को मिलती है बोल्ट ऑडियो। सामने की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे इसका फ्लैट थोड़ा सा, यहाँ पे पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट है और ये लाइटनिंग इंडिकेटर भी है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो सामने की तरफ हम लोगों को रखे हुए मिल जाते हैं ये अपने ईयरबड्स। और यहाँ पर हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हम लोग को देखने को मिल जाता है। डुअल टोन कलर है जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो कुछ इस तरीके के हम लोगों को लुक्स इसके देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे केस की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो है वो लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। और ये जो गोल से बटन आप देख रहे हैं, ये पेयरिंग कर दी आपने किसी फ़ोन से, उसके बाद रीसेट करना चाहते हैं आप इस डिवाइस को, तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जैसे ही लाइट ब्लिंक हुई तो ये जो है वो रीसेट हो चुका है, अब आप वापस से पेयरिंग मोड में चला जाएगा। वरना ऐसे क्या होगा, आप जैसे ही लिड को खोलेंगे वो फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा इससे। बाकी अगर आप उस बटन को दबा देंगे तो वापस से आपको फुल पेयरिंग करनी पड़ेगी पेयर न्यू डिवाइस में जाके। खैर ये सब बात छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं वीडियो में। तो अब आपको ये स्टिकर जो है इसके ऊपर लगा हुआ है ज़रूरी है निकालना, तभी ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये चार्ज्ड है अभी बैटरी जो है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के स्टिकर वगैरह इसके अंदर आप लोग को रखे हुए मिल जाते हैं। दोस्तों बस यहाँ पे मैं थोड़े से आपको सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं आपसे थोड़ी सी आगे इसकी प्राइस की बात जो है वो कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना अब इसकी मार्क प्राइस की, तो इसके बॉक्स पे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस लिखी हुई है वो लिखी हुई है 6,999 रुपीज। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि मैंने कितने में इसको परचेज किया, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट नाम बता देता हूँ, तो अमेजोन से यहाँ पे मैंने परचेज किया है, 2,000 रुपीज यहाँ पे मैंने पे किए हैं इसके लिए। दोस्तों बाकी आप जो है वेट करिए अगले नेक्स्ट वीडियो का, जानने के लिए कि क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई दिल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन इनेबल कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।